Ms. Singh and you're watching Bazooka. Once again, I'm back with the new video. Well, आज हम बात करने वाले हैं दीपक चौरसिया जी के बारे में, जहां पर वो अपनी कैसी न्यूज के लाइफ से उन्होंने बिग बॉस तक का अपना सफर तय किया, जहां उनके न्यूज लाइफ में ऐसे कई पल आए जहां पर वो गिरे, वो अपने आप को कमजोर महसूस किए, लेकिन वो हार नहीं माने और वो दोबारा उठे और उन्होंने हमेशा स्टार की तरह शाइन किया है। लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे था उनका न्यूज लाइफ और कैसा था उनका अब का टीवी शो, रियलिटी शो का लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। वेल, अब बात करते हैं उनके बर्थ डेट की। तो देखा जाए तो दीपक चौरसिया 28 दिसंबर 1968 के एमपी के सिंधवा में जन्मे हैं। वेल, अगर उनके होम टाउन की बात की जाए तो होम टाउन उनका बरवानी है, और वही बात की जाए उनके प्रोफेशन की तो वो एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं। और वही बात करें उनके हॉबीज की तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है ट्रैवलिंग और कुकिंग करना। वेल, अब बढ़ते हैं उनके स्कूलिंग, कॉलेज और एजुकेशन की बात की जाए, वो अपनी स्कूलिंग एमपी के सिंधवा से कंप्लीट किए हैं। वेल, बात करें उनकी ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन के लिए वो इंदौर गए, जहां पर उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट की, और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो डिप्लोमा करेंगे, और ऐसे में वो दिल्ली गए जहां पर उन्होंने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई कंप्लीट की। अब बात करते हैं उनके फैमिली मेंबर्स की। वेल, फैमिली मेंबर्स में उनके मम्मा हैं, उनके पापा हैं, और उनकी एक सिबलिंग्स में बहन भी है। वहीं अगर पापा की बात की जाए तो वो पेशे से एक प्रिंसिपल थे, और वहीं अगर मम्मा की बात की जाए तो वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी। वहीं उनकी बहन जो कि उनसे बड़ी है और उनकी अब शादी हो चुकी है। अब बात करते हैं उनके लव अफेयर्स की। वेल, जब उनका करियर लाइफ न्यूज में चल रहा था तब उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी अनसुईया रॉय से, जो कि अब वो वाइफ बन चुकी हैं। जी हाँ, पहले इनकी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, और फिर उसके बाद में ये सफ़र शादी तक चला आया, और इससे ही इनकी दो बेटी हैं, इन्हें कोई बेटा नहीं है। वेल, किसी जर्नलिस्ट के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत मैटर करता है, और इसी वजह से वो ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वहीं अगर उनके फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए, तो ट्विटर पर उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जहाँ पर उन्हें 1.3 मिलियन फॉलो करते हैं। वेल, अब ये थी इनकी फैन फॉलोइंग की, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। वेल, अब बढ़ते हैं अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, जहां पर दीपक चौरसिया के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग को नहीं पता। जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसी दौरान उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, और उन्होंने ये फैसला लिया भी, जिसके बाद में उन्होंने डिप्लोमा किया था। लेकिन उस दौरान उन्हें यूके जाकर स्टडीज करने का मौका मिल रहा था, जहां पर उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया था। दीपक चौरसिया 1993 में जर्नलिस्ट के तौर पर वो एंटर हुए थे, ऐसे में वो कई न्यूज चैनल में एज अ न्यूज करेस्पोंडेंट काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बड़ी स्टोरीज कवर की, और ऐसे में एक्सोडस कश्मीरी हिंदू इन कश्मीरी वैली इन 1990s की भी स्टोरीज को उन्होंने कवर की थी। 1995 में दीपक चौरसिया आज तक के को फाउंडर बने। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट चैनल आया था, जो कि डीडी मेट्रो पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। फिर उन्होंने स्टार न्यूज चैनल ज्वाइन किया, और ऐसे में स्टार न्यूज के बारे में आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टार न्यूज एक्चुअल में एबीपी न्यूज है, जो कि स्टार न्यूज का नाम बदलकर एबीपी रखा गया था, और ऐसे में वो एबीपी में थे, जिसके बाद में वो इंडिया न्यूज ज्वाइन किया और वहां पर वो एडिटर इन चीफ बन गए थे। 2019 से 2021 तक वो न्यूज नेशन में काम किए, जहां पर वो एज अ एडिटर इन चीफ काम कर रहे थे, जिसके बाद 2023 से 24 तक वो जी न्यूज ज्वाइन किए, और वहां पर वो एज अ कंसल्टिंग एडिटर काम कर रहे थे। वेल, इसी 2024 में 17 अप्रैल को जब राम नवमी था, तब उस दौरान उन्होंने अपना खुद का एक न्यूज वेबसाइट ओपन किया, जिसका नाम था आगे से राइट। वेल, देखा जाए तो ये नाम थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन इसके पीछे एक डीप मीनिंग है, जो कि उन्होंने ये आगे से राइट उसका नाम रखा, और ऐसे में ये डिजिटली भी चल रहा था, जहां पर यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियोस भी बनाए जाते हैं। वेल, देखा जाए तो दीपक चौरसिया के ऊपर ऐसे कई इल्जाम लगे हैं, लेकिन जिसमें
में से एक इल्ज़ाम था जो कि बहुत बड़ा था और कहीं ना कहीं ये सारे लोगों ने इसे देखा था, ये सारे लोगों के इसमें नोटिस में किया गया था, और वो था साल 2021 का दिसंबर का महीना, जहां पर वो अपनी एंकरिंग कर रहे थे और वो शो था देश की बहस, जिसमें वो न्यूज़ एंकरिंग दे रहे थे। ऐसे में देखा जा सकता है कि वो न्यूज़ देते हुए उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, और ऐसे में वो फेस से पूरा लग रहा था कि वो ड्रिंक करके एंकरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद से लोगों ने उसे ट्वीट करके वीडियो को कहीं ना कहीं चलाया था और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वायरल हुई थी, और ऐसे में दीपक चौरसिया के रेपुटेशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। वैसे तो अब देखा जाए तो वो 2024 में अब बिग बॉस के शो में एंटर हो चुके हैं, रियलिटी शो में, जहाँ पर वो एज अ कंटेस्टेंट हैं। इस रियलिटी शो में वो काफ़ी डिसेंटली प्ले कर रहे हैं, तो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर तक में कौन जीतता है। लेकिन आपको दीपक चौरसिया की लाइव स्ट्रीम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए तो मैं लेती हूँ विदा, फिर आऊंगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।